खबर है अल्मोड़ा से। भीषण सड़क हादसा हो गया है, खाई में बस गिर गई है, 8 लोगों की जान जा चुकी है, 8 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं। एसडीआरएफ की टीम जो है इस बीच मौके पर पहुंच गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव विजुअल आप देखिए, इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहे हैं कितना भीषण ये हादसा, सड़क हादसा रहा जिसमें कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर जख्मी है। फर्स्ट विजुअल, पहली तस्वीरें आप समाचार प्लस पर देख रहे हैं, अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा और उसकी पहली तस्वीर यानी कि फर्स्ट विजुअल्स एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा हादसा हुआ और लगातार इस बीच जो एसडीआरएफ की टीम है मौके पर तैनात है, हर तरह का प्रयास किया जा रहा है रेस्क्यू करने के लिए लोगों को। दर्जन भर से ज्यादा लोग जो है वो गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है और जो शुरुआती जानकारी इस बीच इस हादसे की मिल पा रही है उसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो गंभीर तौर पर जख्मी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं हरीश भंडारी। हरीश, पहली तस्वीरें जो हम दिखा पा रहे हैं विभत्स तस्वीरें, निश्चित तौर पर एक बड़ा, एक भीषण सड़क हादसा है, कितनों की मौत की पुष्टि और कितने लोग गंभीर तौर पर जख्मी? जी मैं बता दूं प्रीति, सुबह मांझी से रामनगर को सुपरफास्ट नाम से एक गढ़वाल मंडल की जो बस जाती है वो करीब 7:30 बजे बस हादसा हो गया है और इसमें लगभग 8 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और करीब 2 दर्जन लोग जो है घायल थे, घायलों को रानीखेत जो है लाया गया है, रानीखेत से भी रामनगर को रिफर किया गया है क्योंकि उपचार की सुविधा न होने के कारण से। इसमें एक विशेष चीज ये देखी गई कि स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल ढीला दिखा है यहाँ पर और कहीं पर भी डॉक्टर्स नहीं।